हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी परफेक्ट। हमने पिछले वीडियो के अंदर राठौड़ वंश और मेवाड़ राजवंश करवाया था, आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश करवाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आवानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आवानेरी एंड राजौरगढ़ कलात्मक वैभव के मैम गुर्जर प्रतिहार वंश से हैं, क्योंकि मैम देखो ये 2016 में रीट का एग्ज़ाम आ चुका है जो अभी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होगा, इसलिए हम ये वीडियो लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद हो सके और पुराने क्वेश्चन का पूरा एक संग्रह मिल सके एक ही वीडियो के अंदर, जिसमें इसमें आपको सारे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में मिल जाएगा जिसमें अभी तक जो क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल सिंह, ये आया है महिला पर्यवेक्षण 2015 में, और दोस्तों अभी 2018 में महिला पर्यवेक्षण की भर्ती आ रखी है 180 पद, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार राजस्थान में आरपीएससी एंड अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि एवं नाट्यकार राजशेखर निमन में से किसके दरबार से संबंधित थे? यारस प्रेम आ चुका है मैम, देखो इसमें महेंद्रपाल प्रथम है, इसके थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसमें कौन है महेंद्रपाल? इसमें राजशेखर के कपूर मंजरी, काव्य ममीसा, विजाल साल और भंजिका, बाल भारत, हर विलास और भुवनेश कोश की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यहाँ आता है, ये किस में आता है? ये आता है मैम राजपुरुष, जो फर्स्ट ग्रेड में हुआ था एग्ज़ाम 2013 में, उसमें आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? तो मंडोर थी मैम, जो कि जोधपुर में आता है मैम ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार आर सी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक आक्रमणकारियों के लिए बाध्य का काम किया? मैम 6वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक इनका आक्रमण हमेशा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? जो कि जो है ये है नागभट, वो गुर्जर प्रतिहार वंश से लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ये भोज प्रथम मीर भोज, जिसको बोलते हैं दूसरा नाम मीर भोज बोलते हैं ये, तो उसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस प्रशस्ति में प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों व उनके वंशावली के का प्रमुख स्रोत इसी परिचित में कोई तिथि अंकित नहीं किया गया है। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाई, वो है अपना नागभट प्रथम, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बटाकर महाराधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था? महेंद्रपाल प्रथम 885 ईसा से 910 ईसा तक शासन किया था इन्होंने। इन्होंने परम भटनक, परम भागवत, महाराज अधिराज एवं परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण रखी थी। महेंद्र प्रथम ने त्रिकोणीय संघर्ष में बाल बंगाल के पालों का पराजित किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? राजा नागभट का प्रथम राजवंश था, वो था गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि ये 12 पूछा गया पटवारी में सेकंड ग्रेड में और पीटीआई ग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी, वो है चंदावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, वो मैम हम उस मंडोर का जो प्रतिहार वंश है उनको क्षेत्र माना जाता है, जो कि प्रतिहार के संबंध में
की जानकारी जोधपुर के शिला लेखों में मिलती है। बार बार पूछा गया है कौन शिला लेख में, जोधपुर के शिला लेख में मिल गई, कहाँ पर, कब, 837 ईसा पूर्व में, और घटियाला शिला लेख 861 में मिलती है। इन शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षेत्र पत्नी भद्रावती से उत्पन्न पुत्रों में संजरित के वंश ने मंडोर पर शासन किया, जिसका गोत्र नागभट प्रतिहार प्रथम प्रतापी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? वो है मैम नागभट प्रथम, जो कि अभी आपने पढ़ा था नागभट प्रथम के बारे में। नागभट प्रथम का समय 730 से 760 ईस्वी माना जाता है, जो कि जालोर अवंती कन्नौज प्रतिहार के नाम वाली नागभट में प्रारंभ होती है। नागभट को नागाव लोग भी कहते हैं। ग्वालियर के प्रसिद्ध में इसे नारायण में मिलेच्छो रस भी कहा जाता है। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यह कुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? मैम यह चालुक्य प्रतिहार चौहान परमार इन चार वंशों की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवराज की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की वह है? मैम ये लगातार दो बार क्वेश्चन आ चुका है 2007 में, पहले तो आया है थर्ड ग्रेड टीचर में, फिर कॉलेज व्याख्या में पूछ चुका है। ये है मीर भोज। मीर भोज ने आदिवरा एवं प्रभास की उपाधि धारण की थी, तथा आदिवरा शब्द अंकित सिक्के भी चलाए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं, वो कौन सा नाम है? वो है अग्निकुंड अग्निवंश राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहनोत नैनसिंह ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? मुहनोत नैनसिंह ने अपनी पुस्तक में 26 शाखाओं का वर्णन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं व 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का प्रवचक रहा? वो है प्रतिहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलियो में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्स्य राज प्रतिहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? ये प्रभाकर वर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी? वो थी मैम चंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1597 ईस्वी बारे में, तो मैम इसका थोड़ा महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनकी मृत्यु तो 1597 में हुई थी, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में, एवं इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 में चांडव के निकट बरौली जो उदयपुर में आता है, बरौली जिनके में उनके बडोली में उनके अंतिम संस्कार के स्थान पर 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। ये तो सारे क्वेश्चन गुर्जर वंश के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और राजवंश के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।